हेलो एवरीवन, आई एम हियर सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जस्ट मैंने बैकड्रॉप सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। सुबह सुबह 5 बजे हम घर से निकले रेडी होके, और हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बैग्स थी। सो हमने ककाओ टैक्सी पर बड़ी वाली टैक्सी बुक करने का ट्राई किया, पर वो हो नहीं रहा था, इसलिए जनरल टैक्सी बुक की। फिर वो टैक्सी वाले अंकल आए, उन्होंने देखा कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बैग्स है जो उनकी कार में नहीं फिट होगी। फिर उन्होंने हमारी बहुत मदद करी, कस्टमर केयर को कॉल किया, कुछ तो भी किया बड़ी टैक्सी बुक करने के लिए। फिर भी नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरी टैक्सी खुद बुक कर दी हमारे लिए। दूसरी टैक्सी आई तो वो सिमिलर ही थी, पर उनकी डिक्की में थोड़ी ज़्यादा जगह थी, तो वो भी अंकल ने हमारी बहुत हेल्प करी और सारी बैग्स गाड़ी में फिट करके हम आ गए इंचोन एयरपोर्ट। और अभी हम जा रहे हैं ताइवान। सो अभी सब प्रोसेस कंप्लीट करके हम बैठे हैं, 1 घंटा है हमारी फ्लाइट के लिए अभी भी। तो इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं ताइवान क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वहाँ पे काम है और मैं जा रही हूँ घूमने 15 डेज के लिए। सो मैंने ताइवान का वीज़ा कैसे लिया उसकी भी एक स्टोरी है। सो जब हमारा डिसाइड हुआ था ना कि हमें ताइवान जाना है, तो मैंने बहुत रिसर्च किया गूगल पे या यूट्यूब पे, कोरिया में रहने वाले इंडियन नेशनल्स ताइवान कैसे जा सकते हैं। मुझे ऐसे सॉलिड इन्फॉर्मेशन कुछ मिली नहीं। सो मैंने ताइवान एम्बेसी को ही मेल कर दिया कि मेरे पास एलियन रेसिडेंसी कार्ड है कोरिया का, ताइवान का टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलेगा। सो उन्होंने मुझे एक लिंक दी, वो थी TAC की। TAC जो है ये एक फॉर्म होता है जो कोरिया में रहने वाले इंडियंस जो है जिनके पास कोरिया का वीजा होता है, कोरिया का एलियन रेसिडेंसी कार्ड होता है, वो जा सकते हैं। उनको सेपरेट वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए और एक खुशखबरी है, अगर आपने पिछले 10 सालों में इनमें से किसी भी कंट्री में ट्रैवल किया होगा तभी भी आप TAC के लिए एलिजिबल हो। सो वो जो है वो मैंने साइट सीइंग के लिए भरा, तो मैं जा रही हूँ TAC पे। सो अगर आप इंडियन हो, आप कोरिया में रह रहे हो, अगर नहीं भी रह रहे हो तो भी आप ताइवान कैसे जा सकते हो ना, तो वो TAC की मदद से, TAC फॉर्म जो होता है उसके लिए आपके पास कोरिया का वीज़ा चाहिए होता है। फिर वो आपने 10 साल पहले क्यों ना लिया हो, पासपोर्ट और टू एंड फ्रो फ्लाइट बुकिंग्स एंड होटल बुकिंग्स। मेरी पूरी आइटनरी रेडी है, ताइवान में घूमने वाली हूँ, उसके बाद कहाँ जाऊँगी वो जानने के लिए आप ताइवान की पूरी सीरीज देखो। और इस बार हम जा रहे हैं कोरियन एयरलाइन से। प्लेन में बैठ गए हैं। सो हमें अंदर मिला है एक पिलो और सामने है स्क्रीन, TV का रिमोट जो चलाना हम सीखेंगे धीरे धीरे, और ये है एयरफोन्स। हमारा खाना आ गया है जो हमने पहले से ही बुक करवाया था। सो ये है छोले का सैलेड, फ्रूट्स एंड कटलरी, एंड उसके बाद है पनीर की सब्जी, और ये शायद बीन्स की सब्जी है, राइस, एंड उसके साथ है रोटी एंड बटर। दैट्स इट। हम अभी ताइवान में लैंड हो चुके हैं। 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी और कोरियन एयर की सर्विस बहुत ही अच्छी थी। अभी होगा इमिग्रेशन और हमारे बैग्स वगैरह कलेक्ट करके हम जाएंगे होटल पे। गाइस अभी हम वहाँ से आए, हमारे बैग्स वगैरह चेक करें, स्कैन किए, फिर हमें फ़्लाइट में ये फॉर्म मिला था, अराइवल कार्ड मिला था, इसको अभी हम भरेंगे। बेसिक सी डिटेल्स है, सो ये भरेंगे और ये देंगे इमिग्रेशन में। सो फर्स्ट होगा इमिग्रेशन चेक। A few moments later. So इमिग्रेशन का जो हमारा प्रोसेस था ना वो काफी स्मूथ था। सिर्फ हमारे फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग का उन्होंने चेक किया, और उसमें भी ना वो इमिग्रेशन ऑफिसर हमारा रिटर्न टिकट देखना भूल गई थी, पर हमारे पीछे भाग के आ गए और उसने बोला कि रिटर्न टिकट्स मैंने चेक करना मैं भूल गई, बार बार सॉरी भी बोल रही थी, तो मुझे इतना फनी लगा। वो ने यहाँ से सिम लिया है, 15 डेज का है, अनलिमिटेड डेटा एंड कॉल है शायद उसमें। फिर हमने लिया सिम कार्ड। ताइवान की जो करेंसी है वो है NTD, न्यू ताइवान डॉलर। अभी हम पैसे निकालेंगे। सो ये जो ताइवान का एयरपोर्ट है ना, ये ताओ युआन डिस्ट्रिक्ट में है।
अभी हम कैब करके जाएंगे ताउयान के HSR यानी कि बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे। आप ना सीधा मेट्रो लेके भी HSR यानी कि बुलेट ट्रेन के स्टेशन तक जा सकते हो। इस मशीन से हमने HSR ट्रेन का टिकट लिया है और यहाँ से हम जाएंगे ताइचुंग, जहाँ हमने होटल किया है, जो यहाँ से अराउंड 140 किलोमीटर है। हमने ना बिजनेस क्लास का टिकट लिया है क्योंकि नॉर्मल टिकट्स सब सोल्ड आउट थे। काफी अच्छी बुलेट ट्रेन है, मतलब लगेज के लिए बहुत सारी स्पेस थी, उसके बाद लेग स्पेस भी बहुत बढ़िया थी और फ्री के कुछ स्नैक्स कॉफी वगैरह भी मिली यहाँ पे। गाइस अभी हम ताइचुंग स्टेशन पे उतरे और अभी यहाँ से कैब से जाएंगे। जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी थी, बुलेट ट्रेन थी, जो सर्विस हमें मिली वो बहुत ही सरप्राइजिंग था, एकदम फ्लाइट का फील आया। गाइज शाम के 5 बजे है, होटल पे आने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी निकले हैं घूमने। सो गाइज नई कंट्री में आने के बाद ना इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती है, सबसे पहले तो पैसे। सो पैसे तो निकाल लिए। दूसरा होता है सिम कार्ड भी ले लिया, और तीसरा होता है कि कुछ जरूरत की चीजें लेना। सो पहले हम लेने जाएंगे इजी कार्ड, जो यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, समथिंग सिमिलर टू टी मनी कार्ड जो हम साउथ कोरिया में यूज करते हैं। सो वो हम लेंगे 7-Eleven स्टोर से। तैवान में भी 7-Eleven और फैमिली मार्ट करके कन्वीनियंस स्टोर्स है। गाइस यहाँ पे बहुत सारी टू व्हीलर्स है, जिसे देख के मुझे पुणे की याद आ रही है, और वातावरण भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आते वक्त ना मैंने जितना ताइवान देखा ना, मुझे इंडिया की याद आ गई। यहाँ के घर बिल्डिंग्स वगैरह एकदम इंडिया के कई कई सिटीज में जैसा होता है ना, वैसा ही है। सिर्फ यहाँ के रोड और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर है। और हम पहुँच गए 7-Eleven, देखते हैं ताइवान के CVS में क्या क्या मिलता है। यो कार्ड हाउ मच इज इट फॉर? 120। ओके, दिस वन एंड दिस वन। A few moments later. एक बस स्टॉप, अभी आएगी बस। कोरिया जितने फैंसी बस स्टॉप तो नहीं है, बस के नंबर्स है और कौन सी स्टॉप पे रुकती है ना वो है, पर चाइनीज में है, तो वो आप खुद ही फिगर आउट कर लो। जैसे कोरिया में काकाओ एंड नेवर मैप है, जिसकी मदद से हम बस का ट्रैकिंग करते हैं, वैसे ताइवान का कोई ऐसे स्पेसिफिक ऐप नहीं है, तो गूगल मैप्स का ही आप यूज कर सकते हो। उस पे भी बस के टाइमिंग वगैरह सब दिखाता है, पता नहीं वो कितना एक्यूरेट होगा, थोड़े दिनों में तो हम जान ही जाएंगे। ये हमने इजी कार्ड लिया है और इसमें टॉप अप किया है 7-Eleven से। अभी मुझे एक ऐसा स्पॉट मिला जो सेम कोरिया में भी है, जहाँ हम क्रिसमस के टाइम गए थे, वो है चोंगे चोन स्ट्रीम। वैसा सेम स्ट्रीम हमें ताइवान में मिला है। अभी हम बाबा दा ढाबा में खाना खाने के लिए आए हैं। ताइवान में भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, हमारे पास वाला जो था वो यही था। ना हमारा खाना आया है। A few moments later. इंडियन रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, वो इतना अच्छा नहीं था। प्राइस भी लगभग कोरिया में जितनी होती है उतनी ही थी। आज के दिन तो इतना ज्यादा कुछ किया नहीं, कल से हम जाएंगे ताइवान में घूमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।